एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। एनएसए क्या है, इस कानून का प्रयोग क्यों, कैसे और कब होता है, आज हम आपको इस खबर के माध्यम से एनएसए से संबंधित सारी जानकारी बताएंगे। बिहार के रहने वाले फेमस यूट्यूबर और स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले मनीष कश्यप पर हाल ही के दिनों में एनएसए लगा दिया गया। मनीष कश्यप पर बिहार के प्रवासी मजदूरों का तमिलनाडु में हमले का फर्जी वीडियो बनाने और उसे शेयर करने का आरोप था, जिसके बाद इस पूरे मामले में तमिलनाडु पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस ने भी मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज कराई थी। 18 मार्च को पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार पुलिस द्वारा कस्टडी में ले लिया गया था और उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडिक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु लेकर गई थी। यहां मदुरई कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली थी, लेकिन अब मनीष कश्यप पर एनएसए कानून लगाया गया है और उसी कानून के तहत मनीष पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ये एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता क्या है, ये क्या बला है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। दरअसल एनएसए एक्ट भारत की सबसे कठिन कानूनों में से एक है। इसके तहत अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश या राज्य में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे 12 महीनों तक पुलिस गिरफ्तार कर हिरासत में ले सकती है। ऐसे ही यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ हुआ है। मनीष पर तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की है, जिसके बाद से उन्हें मदुरई कोर्ट द्वारा 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने कोर्ट से सभी एफआईआर को एक जगह क्लब करने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मनीष कश्यप द्वारा कोर्ट में लगाई गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कब तक सुनवाई करेगा और मनीष कश्यप को कितना समय और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। मनीष कश्यप पर इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है और मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।